हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल सभी को सुप्रभात डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 89 नंबर की वीडियो होगी और जैसा कि आज है 27 सितंबर तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन भी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर पहला दिया हुआ है भुवनेश्वर के बारे में तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष जो कि हैं वर्तमान में अभी नव निर्वाचित हुए हैं इनका नाम है डॉक्टर संजय कपूर इनके द्वारा घोषणा की गई है कि पहली आवासीय शतरंज एकेडमी भुवनेश्वर में बनाई जाएगी अब देखिए भुवनेश्वर की बात हुई है तो यह उड़ीसा की राजधानी है और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित होने जा रहा है और उड़ीसा से संबंधित एक तथ्य और कि उड़ीसा का जो पूरी शहर था यह 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बन गया था देखिए शतरंज की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ष हम बीस जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं और अभी हाल ही में जो विश्वनाथन आनंद है इन्होंने शतरंज से संबंधित इस्पाकसन ट्रॉफी 2021 अपने नाम की थी इसके अलावा अभी हाल ही में सत्तरवें नंबर के ग्रैंड मास्टर घोषित हुए जिनका नाम मैंने आपको बताया था आर ऋत्विक इसके अलावा उनहत्तरवें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था हर्षित राजा ये महाराष्ट्र से संबंध रखते थे और अड़सठवें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु के थे और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे तो यह थे विश्वनाथन आनंद जिन्हें पहले राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1991-1992 में अब देखिए चेस की बात हुई है तो जो चेस का बोर्ड होता है तो इस पर जो स्क्वायर होते हैं तो आपसे पूछा जाए कितने होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि टोटल चौंसठ होते हैं जो थर्टी होते हैं ये ब्लैक होते हैं और थर्टी वाइट कलर के होते हैं तो यह शतरंज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इन्हें ध्यान रखिएगा और उड़ीसा की बात हुई है तो वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और अभी यहाँ की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा के द्वारा की जाएगी जो कि आयोजित होगा 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अगला देखते हैं दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर गए हैं तो इस दौरान उन्हें अमेरिका के द्वारा एक कलाकृतियां व पुरावसे सौंपे गए अब देखिए प्रधानमंत्री जी की बात हुई है तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी अमेरिका बेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल टैकर मॉर्निंग कंसर्ट के द्वारा और इस रिपोर्ट के अनुसार तेरह विश्व नेताओं में जिसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक थी तो वो थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि इस ये इंडेक्स में ये पहले स्थान पर रहे थे सत्तर प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ और यदि अदर की बात की जाए तो मैंने बताया था कि अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही तेरहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी और अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एस की बैठक हुई है दोसाम्बे तजाकिस्तान में तो इस बैठक में जो वर्चुअल संबोधन किया गया था वो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो प्रधानमंत्री जी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इन्हें आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं दिया हुआ है लियोग तर्दिक के बारे में तो अभी हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है अब नियुक्ति की बात हुई है तो कुछ अन्य नियुक्तियाँ देख लेते हैं मैंने आपको बताया था अलका नांगिया अरोड़ा के बारे में जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया था माफी चाहेंगे ये सीएमडी के तौर पर नियुक्त हुई थी और अभी सिफाली जुनेजा ये अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन यानी कि ये बात वायु यातायात के नियमों व सिद्धांतों को पालन करवाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संगठता है माफी चाहेंगे संस्था है जिसका भी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है सैफाली जुनेजा को और अभी विजय गोयल गांधी स्मृति व दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष चुने गए थे अजीज़ अक्खा नौज के बारे में मैंने आपको बताया था ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए थे और अभी हाल ही में चार राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे जिसमें अभी हरियाणा के और ये जो चार राज्य थे इसमें नाम था उत्तराखंड पंजाब नागालैंड और तमिलनाडु का तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पंजाब में बनवारीलाल पुरोहित नागालैंड में जगदीश मुखी और तमिलनाडु में आर एन रवि नियुक्त हुए तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी जो अभी पिछले दिनों हुई थी अगला देखते हैं दिया हुआ है एक बुक के बारे में जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट रोड इज द प्रजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस तो इसकी लेखिका है निरूपमा राव अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है तो ध्यान रखिएगा इसको लिखा गया है निरूपमा राव के द्वारा देखिए यहाँ पर हिमालय शब्द आया तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के बारे में जिसका आयोजन किया गया है पहली बार ले लद्दाख में जैसा कि मैंने बताया कि ये इसका पहला संस्करण होगा जो कि आयोजित होगा 24 से लेकर 28 सितंबर के बीच में और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जैसा कि आपको ज्ञात है कि लद्दाख एक के केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख में ही अभी एन टी पी सी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था लद्दाख में ही बी आर ओ के द्वारा अभी विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है जो कि उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है और लद्दाख के द्वारा ही अभी पिछले दिनों पानी माँ अभियान शुरू किया गया था अगला देखते हैं दिया हुआ है अंत्योदय दिवस के बारे में तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं पच्चीस सितंबर को और ध्यान रखिएगा कि ये जो अंत्योदय दिवस है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं अब अंत्योदय दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान इंग्लिश में इसे बोलते हैं अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और यदि अंत्योदय दिवस की बात की जाए तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को की गई थी कि प्रत्येक वर्ष हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाएंगे और आधिकारिक तौर पर यह शुरू हो गया था 2015 से यानी कि 2015 में हमने अपना पहला अंत्योदय दिवस मनाया था अब पंडित दीनदयाल जी की बात हुई है तो इनसे संबंधित आप एक तथ्य ध्यान रखिएगा इनकी एक पत्रिका थी जिनका नाम था पांच तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी पूछ लेता है इस पत्रिका के बारे में तो ध्यान रखिएगा यह पत्रिका थी दीनदयाल उपाध्याय जी की अगला देखते हैं दिया हुआ है विजय सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में तो भारत पाक युद्ध जो कि हुआ था उन्नीस में इसकी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में और यह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा 26 से लेकर 29 सितंबर के बीच में अब देखिए भारत पाक युद्ध की बात हुई है तो मैंने आपको कमोगोर कासरगोर पटना सेट्टी के बारे में बताया था जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था तो यह वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन्नीस के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अभी इसी युद्ध को इस युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है जिसके उपलक्ष्य पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा कोलकाता में अगला देखते हैं दिया हुआ है कपिल पठारे के बारे में तो अभी हाल ही में इन्हें बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड उन्हें दिया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा जो कि वर्तमान में है भगत सिंह कोश्यारी और इन्हें यह पुरस्कार भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है देखिए पुरस्कार की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार के बारे में जो इस वर्ष मिला है शिक्षा में नवाचार के लिए एन को यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को इसके अलावा मैंने आपको बताया था भानुमति घीवला के बारे में जो कि गुजरात के साया राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से और इसके अलावा यदि बात की जाए नमिता ओखले के बारे में तो मैंने आपको बताया था इन्हें सेवेंथ यामिन हज़ारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था शैलेंद्र सिंह यह भारतीय जीव विज्ञानी है जिन्हें भी हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया था अगला देखते हैं दिया हुआ है उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के कटक शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा और यह स्थापना की जाएगी खादी व ग्रामोद्योग के द्वारा इसका उद्देश्य क्या होगा तो यहाँ पर कटक में जो टसर रेशा मिलता है रेसा यानी कि सिल्क तो इसके उत्पादन के लिए यानी कि इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह या रेशम याड स्थापित किया जाएगा इससे क्या होगा कि जो वहाँ की महिलाएं होंगी इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और रेशम का अच्छा उत्पादन हो सकेगा तो ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा में पहला रेशम या्ड उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है तो डेट से संबंधित आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही जो हमने इसके पहले पढ़ा था अब उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार पहला दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश के बारे में तो यहाँ के काजा क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है लगभग बारह हज़ार पाँच सौ फीट की ऊंचाई पर और यह जो स्थापित किया गया है स्टेशन यह एक निजी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है जिसका नाम है गो ईगो देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश में ही अभी चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई थी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए तो अभी हाल ही में इंग्लैंड पूरे विश्व का पहला देश बन गया है ऐसा जिसने घरों में जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर है इसको लगाना अनिवार्य कर दिया है तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हमने पढ़ा था एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम था जंगलनामा तो यह पुस्तक है अमिताभ घोष की और यह एक प्रकार की ऑडियो बुक होगी अगला हमने पढ़ा था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड तो यह इस वर्ष मिला है फुम ब्लाम्बू इंक कुगा को यह संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं। अगला दिया हुआ है युद्धवीर सिंह डडवाल के बारे में तो यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व सोलवें दिल्ली आयुक्त थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है फिर दिया हुआ है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में तो अभी हाल ही में 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करेंगे इसकी और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन इसका नाम कर दिया जाएगा अगला जैसा कि मैंने आपको बताया पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के बारे में तो इसकी मेज़बानी इस वर्ष करेगा उड़ीसा जो कि आयोजित होगा कलिंगा स्टेडियम में चौबीस नवंबर से लेकर पाँच दिसंबर के बीच में और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल तो आज के सेशन में अब इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद सभी को